मिस्टर प्रधान, बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर बाहर आई हैं, बहुत काम हो रहा है, आपकी सरकार काम कर रही है, पिछले 10 साल में काफ़ी काम किया है, फोकस भी बहुत किया है यहाँ पर, यहाँ की भी सरकार काम कर रही है। स्टिल यू नो, एक बात जो बार बार बहुत लोगों के दिमाग में खटकती है, आई ऑल्सो कम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इज दैट द स्टेट ऑफ ओरिसा, एंड आई एम नॉट गोइंग टॉक अबाउट माई स्टेट राइट नाउ, बट योर स्टेट ऑफ ओरिसा स्टिल, डिस्पाइट सो मच ऑफ वर्क दैट हैज गॉन इन एंड डेवलपमेंट दैट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट स्टिल सॉर्ट ऑफ डजंट स्टैंड इन द लीग ऑफ स्टेट्स लाइक गुजरात, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र। आई वॉन्ट टू आस्क यू मिस्टर प्रधान, यू आर अ लीडर फ्रॉम हेयर, how much time do you think this is going to take, because you know we are still sort of lagging behind. Dekho, kuch mamle mein to hum piche hai, kuch statistics mein pad raha tha main, agar main Maharashtra thoda humse bada size ka hai ji, main sadaiva teen rajyon ko Odisha ke sath tulna karta hu size ke wise se. Okay, ek hai गुजरात, एक है कर्नाटका और एक है राजस्थान। ओके, एक सदन का है, केरला भी उसी प्रकार का है, केरला, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न की दो राज्य, सदन की दो राज्य और उड़ीसा, दोनों की, ये पांच राज्यों की पॉपुलेशन 4 से 7 करोड़ के अंदर है, कुछ कर्नाटक की थोड़ा 8 करोड़ तक जाएगा, लेकिन बेसिक टोपोग्राफी, बेसिक फॉरेस्ट्री, रेन वाटर, कर्नाटक, केरला और उड़ीसा एक जैसा है जी। गुजरात की नेचुरल रिसोर्स और उड़ीसा की नेचुरल रिसोर्स में अगर मैं तुलना करूं जी, जमीन आसमान के अंतर Absolutely. है, जमीन आसमान के अंतर है, लेकिन बाई स्ट्रेटेजी, बाई डिजाइन, मैं अगर आपके सामने दो तीन चीज कहूं, उड़ीसा कभी पोर्ट लेड इकोनॉमी में बहुत बहुत आगे था दुनिया में। ओके, हमारी पूरा साउथ ईस्ट एशिया की ट्रेड लिंक उड़ीसा से ही था, कलिंग की ख्याति इसीलिए था और कलिंग युद्ध की मूल कारण ही था कि हमारी मगध राज्य के साथ ट्रेड टैरिफ में डिस्प्यूट हुआ कलिंग की, और हाथी देने में डिस्प्यूट हुआ जी, हम हाथी देते थे, हाथी उन दिनों में राफेल होता था तो हाथी दिए नहीं, और ट्रेड में हमारी यहाँ का ट्रेडर और यहाँ का रेवेन्यू कलेक्टर ने जो मॉडल ऑफर किया उसमें डिस्प्यूट होके मगध को लोग कलिंग को हड़पते हैं, जो हुआ कहानी। माय पॉइंट इज, यहाँ एक ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड की हिस्ट्री था जी। मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, उड़ीसा में आज एक मेजर पोर्ट है, 14 नॉन मेजर पोर्ट है, जो भारत के जितना कार्गो है, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्गो है, उसको अगर हम तुलना करें तो हम 5% कार्गो हैंडल करते हैं। ओके, और हमारी पोर्ट की डेप्थ, पोर्ट इकोनॉमी के एक सबसे बड़ा प्री कंडीशन है कि आपकी पोर्ट की डेप्थ कितना है, अगर गहरा है तो वहां बड़े बड़े कैप्साइज की भी आ सकते हैं, जहाज आ सकता है, बड़े माल आ सकता है। गुजरात में पोर्ट है, उनके पास भी एक मेजर पोर्ट है, हमारा पारादीप है, उनका कांडला है, हमारे पास 14 नॉन मेजर पोर्ट है, बहुत सारे फंक्शनल भी नहीं है, उनके पास 48 है, 48 है, हमारा 14, उनका 48, वी हैंडल 5%, दे हैंडल 40%। मैं एक ही उदाहरण देता हूं, लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ है जी। भारत की सब्सटेंशियल कोयला, आयरन ओर, स्टील में हमारी, मैं कभी कभी उसकी सोचता हूं क्या प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, मिनरल रिसर्च यही है, एनर्जी यही है, प्रोसेसिंग होता है वेस्टर्न इंडिया में, प्रोसेसिंग होता है नॉर्दर्न इंडिया में, फिर कंजम्पशन पॉइंट यही है। पेट्रोकेमिकल में हमारी पास अपार संभावना है, गुजरात कहां पेट्रोकेमिकल में, हम कहां पेट्रोकेमिकल में है, यह कोई कालखंड की विषय नहीं, एक होलिस्टिक, पिछले 70-75 साल में
हमें जो एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए था, रोजगार कैसे ज्यादा आएगा, रेवेन्यू कैसे ज्यादा आएगा, वेलफेयर कैसे बढ़ेगी। देखो, डेवलपमेंट के लिए वेल्थ एंड वेलफेयर दोनों की एक इक्विवेलेंस चाहिए। वेल्थ क्रिएशन भी चाहिए, उस वेल्थ क्रिएशन से एसेट क्रिएशन को बढ़ाना पड़ेगा और वेलफेयर भी करते रहना पड़ेगा। सिर्फ वेलफेयर करोगे ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वेलफेयर किसकी कॉस्ट पे होगा? कोई ना कोई तो उस वेलफेयर की स्पेंडिंग को किसी ना किसी को तो जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा ना। सिर्फ सरकारी बजट से हो पाएगा क्या? शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको वेल्थ क्रिएशन की एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। गुजरात वगैरह में एक बीच में एक व्यक्ति को मिला जी, ये जो पारस फार्मास्यूटिकल वाले जो बनाते मूव स्टॉप एक ये सब मेडिसिन बनाते थे जी। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बहुत बड़ा ब्रांड है, अफोर्डेबल ब्रांड है। उनकी ओरिजिन कभी 60s में उड़ीसा से हुई थी। ओके, 60s में गुजराती मूल की व्यक्ति थे, उड़ीसा आए थे, मार्केट को ढूंढते ढूंढते उड़ीसा आए, यही एंटरप्राइज शुरू किया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन समहाउ फिर डिसलोकेट हो गए, फिर वेस्टर्न चले गए। इसलिए कल्चर बनानी पड़ेगी, एक माहौल बनानी पड़ेगी। अभी तो हम इसीलिए ये सारे पुराने बातों को मैं बहुत पढ़ता नहीं हूँ और मैं बहुत तुलना नहीं करता हूँ। मेरे में एक कॉन्फिडेंस है, जो उड़िया में जिसको कहते हैं दम्भ है, मेरे बच्चों पे मेरा पूरा भरोसा है, मेरे प्रॉब्लम वो ज़्यादा जानते हैं। और मैं कंपैरिजन कर बैठूं तो उसका पॉलिटिकल टोन आएगा, मोदी जी का गुजरात तो अच्छा है ही है, दुनिया कहता है, फिर मैं उड़ीसा में ज़्यादा कहूँगा तो कल से मेरे ऊपर गाली करने लगेंगे। चलो, मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ। अभी देखो, हम तो मेरे को पूरा अभी आने वाले दिनों में जो 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद ये बच्चे सरकार के भरोसे पे नहीं रहेंगे। मैं पिछले दिनों में एक न्यूज़पेपर की यंग टैलेंट अवार्ड गिविंग में आया था, एक लड़का मेरे को मिला, स्टार्टअप था वो, एक लड़का मेरे को मिला। मैंने पूछा आप क्या करते हो, बोले कि मैं लॉ फार्म चलाता हूँ। बोले आप लॉ फार्म भुवनेश्वर से चलाते हो? बोला हाँ, मैं लॉ फार्म भुवनेश्वर चलाता हूँ। बोले आपके सब क्लाइंट कौन है? बोले मेरे बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट है। मेरे समझ में कुछ समय नहीं आया कि भुवनेश्वर में बैठ के लॉ फार्म और इंटरनेशनल क्लाइंट ये कैसे। बोले कि देखो, मैं ग्लोबल टाइम के हिसाब से काम करता हूँ, मैं इंटरनेशनल लॉ का विद्यार्थी था, मैंने देश की 4-5 जगह पे इसे एक टीम बना लिया है। भुवनेश्वर मेरा कॉरपोरेट ऑफिस है, एक जॉब मेरे को दुनिया की कहीं से भी कंसल्टेंसी के लिए आता है, मैं उसको समस्या का लीगल ओपिनियन यहीं बैठ के देता हूँ। टर्नओवर कितना है? 3 करोड़ रुपया। ये मॉडल सब आने वाले दिनों में यहाँ से बनने वाला है। ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। इसलिए ये उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया भले ही पीछे हैं, लेकिन मैं जो एक आज जो भारत में पूर्वोदय की फोकस है जी। और आने वाले मैं इसीलिए 100 क्यूब की कल्पना किए हैं, लक्ष्य रखते हैं 36 तक, फिर एक टारगेट आ जाएगा 2047 में। और दुनिया की जो स्थिति है, जो दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जी। अभी कोरोना को एक केस स्टडी अगर हम मानते हैं, वैक्सीन किसने बनाया जल्दी, इकोनॉमी को किसने हैंडल किया जी। किस बजट में इतना कैपेक्स हो रहा है, किस बजट में इतना वेलफेयर हो रहा है जी। विश्व की सारे अर्थशास्त्री को भारत की मॉडल एक केस स्टडी बन गया है अभी, इसीलिए बन गया। कैसे हमने उसको संभाला, ये भारत की मोमेंटम आ गया है और भारत की मोमेंटम को सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी भारत लेने वाला है। okay. क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इस बार भी बजट में पूर्वोदय था जी। राष्ट्रपति जी यही कहे, उनकी प्रायोरिटी भी यही कहे इसी समस्या के लिए जी। अभी देखो, जब एंड टू एंड प्लान करना पड़ता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत देश की PBTG जो अत्यंत पिछड़े आदिवासी है, जो पहाड़ में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनकी संख्या देश में 35 लाख है, कोई वोट टूट के मायने नहीं रखते हो, उनके लिए 24,000 करोड़ रुपीज की एक बजट प्रोविजन करके PM जनमन प्रोग्राम किए। okay. जब बॉटम ऑफ द पिरामिड की लास्ट स्टोन को आप टर्न नहीं करोगे, पिरामिड की अंतिम नींव में जो पत्थर है ना, उसी को हिलाना पड़ेगा, तब जाके एक नया दुनिया बनेगी।
और मैं बहुत इसीलिए पॉजिटिव आदमी हूँ और मेरा भरोसा है हमारी यंगस्टर्स के ऊपर और नॉट ओनली उड़ीसा, पूर्वी भारत की इस पूरा बेल्ट में। आप लोग इतिहास में पढ़ते हो देश में कि 1857 में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, हम उसकी 40 साल पहले ही लड़े हैं। बख्शी जगह बंधु के नेतृत्व में, वीर सुरेंद्र साय के नेतृत्व में, जय राजगुरु की प्रेरणा से हम लोग 1803-4 में झगड़ा हमारी हुई है, 1857 की 40-45 साल पहले। ये बड़ा विचित्र माटी है। मातंगिनी हजरा मिदनापुर में महिला थी, जिंदगी दे दी, कंप्रोमाइज नहीं की। ये लड़ने वाला भूमि है, भगवान बिरसा मुंडा ही के थे। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।